हाय दोस्तों, आज की इसी वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इसी वीडियो में एक ऐसे शेयर के बारे में बताने वाले हैं जो शेयर के अंदर दोस्तों अभी के टाइम पर अगर बात करें वो शेयर के अंदर बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। और ऐसे में दोस्तों ये जो मार्केट की गिरावट है यहाँ पर बहुत ही ऐसे शेयर देखने को मिलते हैं जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा पिटाई देखने को मिलता है और किसी किसी को यहाँ पर थोड़ा बहुत पिटाई देखने को मिलता है और उसी के साथ और किसी किसी को यहाँ पर थोड़ा बहुत अच्छा होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों स्टॉक की बात करें, स्टॉक का नाम है यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स लिमिटेड। यहाँ पर इस स्टॉक में पिछले ट्रेडिंग सेशन में 9% का गिरावट देखने को मिला है और उसी के साथ पिछले एक महीने के चार्ट पैटर्न को देखोगे यहाँ पर भी करीबन देख सकते हो 19% की गिरावट हो चुका है। और ऐसे में पिछले छः महीने की भी चार्ट पैटर्न देख सकते हो यहाँ पर भी करीबन 10% का गिरावट हो चुका है। और यहाँ पर चार्ट पैटर्न को कंसिडर करोगे यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है इस लेवल पर, फिर उसके बाद स्टॉक अभी अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आ चुका है। और उसके बाद एक साल के चार्ट पैटर्न भी देख सकते हो यहाँ पर भी 41% की पॉजिटिव में है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चार्ट पैटर्न भी देख सकते हो यहाँ पर भी स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइली देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पर स्विंग बना चुका है देख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर 5 साल या फिर लॉन्ग टर्म की बात कर लो यहाँ पर 61% की पॉजिटिव में है। तो फिलहाल यहाँ पर स्टॉक के अंदर अभी के लिए देखोगे इतना ज़्यादा यहाँ पर गिरावट देखने को क्यों मिल रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों स्टॉक का नेचर ही ऐसा है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक का जो मोमेंटम है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइली देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो दोस्तों आपको समझना है जो शेयर के अंदर ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करते हो वो शेयर का नेचर कैसा है। जैसे कि अगर हम बात करें रिलायंस या फिर HDFC बैंक ऐसे मल्टी वगैरह शेयर की अगर बात कर लो, उनका जो नेचर है जब भी गिरावट होता है उनके अंदर थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिलता है, लेकिन उनके अंदर जब तेजी होता है तो अच्छा खासा तेजी देखने को मिलता है। जैसे कि इनका जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे अप में जाता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों ऐसे शेयर जो होते हैं इनका जो नेचर होता है यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल देखने को मिलेगा और एक रेंज बाउंड में होता हुआ देखने को मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो मैक्सिमम का चार्ट पैटर्न है यहाँ पर कितना ज़्यादा स्विंग देखने को मिल चुका है। हर एक डिप्स में दोस्तों देख सकते हो हर एक डिप्स में यहाँ पर अच्छा खासा बाइंग की क्वांटिटी लगी होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर हर एक जब सप्लाई जोन आता है तो फिर उसके बाद यहाँ पर काफ़ी अच्छा करेक्शन भी देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो अभी के लिए अगर गिरावट की बात करें तो इसी लेवल से स्टॉक अंदर लगातार गिरावट हो रहा है और बाकी यहाँ पर स्टॉक का जो ट्रेंड है यहाँ पर ब्रेकडाउन देता हुआ देखने को मिल चुका है। तो यानी कि दोस्तों आगे चलकर स्टॉक के अंदर भारी गिरावट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इसी गिरावट में दोस्तों स्टॉक का प्राइस बहुत ही नीचे आ सकता है। और यहाँ पर भी दोस्तों देख सकते हो स्टॉक का चार्ट पैटर्न यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकडाउन दे चुका है जो कि पहले यहाँ पर सपोर्ट लेकर चल रहा था पिछले एक साल के अंदर आप देख सकते हो, और अभी के लिए कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर ब्रेकडाउन ले चुका है। यानी कि स्टॉक के अंदर और भी गिरावट होने वाला है। और बाकी यहाँ पर दोस्तों स्टॉक के फंडामेंटल खराब नहीं है, हालांकि यहाँ पर बहुत ही छोटा सा मार्केट वैल्यू है, लेकिन दोस्तों कंपनी का बिजनेस आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पर पैरामीटर वाइज अगर देखोगे स्टॉक का पी इंडस्ट्री के पी से नीचे है और उसके बाद इंटरेस्टिंग वैल्यू और बुक वैल्यू देख सकते हो स्टॉक अपने इंटरेस्टिंग वैल्यू से नीचे है। और बाकी यहाँ पर ROCE ठीक ठाक है और यहाँ पर डेट मनी भी नहीं है, कंपनी यहाँ पर डेट फ्री है। और उसके बाद रिजर्व मनी भी अच्छा है और यहाँ पर कंपनी के बारे में पॉजिटिविटी भी देख सकते हो, बहुत सारे पॉजिटिविटी है, हालांकि यहाँ पर कंपनी के बारे में नेगेटिविटी एक ही देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटस भी देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पर इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। कभी कभार कंपनी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कर लेता है और कभी कभार यहाँ पर बहुत ही छोटा सा प्रॉफिट होता है, जिसके चलते शेयर का प्राइस भी बहुत ही ऊपर नीचे होता हुआ देखने को मिल जाता है। और बाकी यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी देख सकते हो यहाँ पर भी कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल देखने को मिलेगा, थोड़ा सा यहाँ पर स्टेबल देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट और सेल्स में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होता है, तो इसी के चलते शेयर का प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल रहता है। लेकिन यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करोगे यहाँ पर भी प्रमोटर के पास बहुत ही अच्छा होल्डिंग है। और बाकी यहाँ पर दोस्तों कंपनी के कामकाज की अगर बात करें, कंपनी का काम क्या है, कंपनी किस सेक्टर के ऊपर काम कर रही है, अगर यहाँ पर देखोगे लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑयल ड्रिलिंग रिलेटेड इक्विपमेंट, यहाँ पर ऑयल ड्रिलिंग रिलेटेड इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करती है जो कि यहाँ पर अपने बिजनेस में लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। और उसके बाद यहाँ पर मार्केट पोजीशन भी कंपनी का बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर 70% मार्केट शेयर है जो कि यहाँ पर ज़्यादातर कंपनी का जो रेवेन्यू है यहाँ पर एक्सपोर्ट में देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पर देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 8 में यहाँ पर 99% था और फाइनेंशियल ईयर 21 में यहाँ पर 98% हो चुका है। और डोमेस्टिक सेल में इनका बहुत ही छोटा सा योगदान रहता है, यहाँ पर 2% की डोमेस्टिक सेल है, लेकिन यहाँ पर कंपनी का प्रोडक्टिविटी बहुत ही अच्छा है, कंपनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है,
यहाँ पर अगर देखोगे वाई लाइन, वाई चेस्ट, स्लिम स्प्लिट, फ्लाई लाइन, ट्रक लाइन और लैंड लाइन। जैसे कि यहाँ पर कुछ फुटेज आप देख सकते हो कंपनी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। कुछ इमेज का फुटेज आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर आप देख सकते हो यूडीटी ट्रक लाइन, यूडीटी लैंड लाइन और बाकी यहाँ पर यूडीटी स्कार्पिंग उच और यहाँ पर बाकी फुटेज भी देख सकते हो। तो कंपनी का बिजनेस दोस्तों बहुत ही अच्छा है और कंपनी का क्लाइंट बेस भी आप देख सकते हो, यहाँ पर कंपनी का क्लाइंट बेस है। डोमेस्टिक की अगर बात करें ONGC, जिंदल, वेल्सन, ऑयल इंडिया। एक्सपोर्ट की अगर बात करें INA, पावर डेवलपमेंट, ओमन, ये सब देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा है लेकिन यहाँ पर कंपनी का मार्केट वैल्यू बहुत ही छोटा सा है। तो इसी का चलते यहाँ पर शेयर के अंदर बहुत ही ज़्यादा रिस्क भी रहता है, एक रिस्की फैक्टर का शेयर है। बाकी यहाँ पर कंपनी अच्छा है, इसके ऊपर आप कंसिडर कर सकते हो, जो कि मुझे लगता है स्टॉक के अंदर आप अगर पोजिशनल ट्रेड लोगे तो फिर आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों इसमें बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल रहता है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए इतना अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, जबकि यहाँ पर आपको स्विंग ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल दोस्तों इसी गिरावट में अगर आप स्टॉक के ऊपर कंसिडर करना चाहते हो तो बिल्कुल स्टॉक के ऊपर आप कंसिडर कर सकते हो, आगे इसमें एक बहुत ही अच्छा रैली होता हुआ देखने को मिल सकता है। और बाकी दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप भी अपने तरफ से अच्छे से एनालिसिस करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो दोस्तों मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।